एक कमसिन खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री जिसकी सागर जैसी गहरी आंखों में दर्शक डूब जाते थे। जिनकी खूबसूरती पर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार पहली नजर में फिदा हो गए और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जिसने 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और अपनी पहली ही फिल्म में बिकिनी सीन्स देकर तहलका मचा दिया। यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा चल के यहाँ चले मैं तक क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही महज 15 साल की उम्र में इन्होंने खुद से दोगुनी उम्र के सुपरस्टार एक्टर से शादी रचा ली और 12 साल के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। और क्या आपको पता है कि इनके उसी सुपरस्टार पति पर इन्हें सिगरेट से जलाने और आधी रात को घर से निकाल देने की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी और बाद में अपने पति के दोस्त के बेटे के साथ ही इनके अफेयर की खबरें आम हो गईं। मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। क्या आप यकीन करेंगे कि इंटीमेट सीन के बहाने एक मशहूर एक्टर ने डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद जमकर इनका फायदा उठाया और ये रात भर रोती रही। तो कौन थी ये अदाकारा जिनका कमबैक बॉलीवुड की अभिनेत्रियों में आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और क्यों इतनी विवादित रही इनकी पर्सनल लाइफ, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 5 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड विजेता 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की। बॉबी गर्ल डिंपल कपाड़िया ने अपनी फिल्मी करियर में खूब शोहरत कमाई और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो किसी भी अभिनेत्री का सपना होता है। हालांकि इनकी पर्सनल लाइफ काफी मुश्किलों भरी रही, जिसे तय करना किसी एक्ट्रेस के लिए भी आसान नहीं था। इसके पहले कि इनकी फिल्मोग्राफी और रिलेशनशिप्स की चर्चा करें, चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक बिजनेसमैन थे, तो वहीं माँ बिट्टी एक हाउसवाइफ थी। माँ बाप ने बचपन में इनका नाम अमीना रखा था, हालांकि प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही इनका नाम बदलकर डिंपल रख दिया गया। डिंपल की दो बहनें रीम और सिंपल और भाई सुहेल थे, जिनमें डिंपल सबसे बड़ी थी। डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक धनाढ्य कारोबारी थे और बॉलीवुड कलाकारों को अक्सर अपने घर पार्टियों में बुलाते थे। इसी तरह की एक फिल्मी पार्टी के दौरान राज कपूर साहब भी मौजूद थे, जहां उनकी नजर 13 साल की डिंपल पर पड़ी और ये उनके जहन में बस गई। राज कपूर की मेरा नाम जोकर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके बाद वो नए चेहरों को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। बिना वक्त गवाए राज कपूर साहब ने डिंपल को अपनी फिल्म में लेने के लिए चुन्नी भाई कपाड़िया से बात की और बात बन गई, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर और डिंपल दोनों को एक साथ फिल्म बॉबी से लॉन्च किया। बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक पार्टी में सुपरस्टार राजेश खन्ना की नजर डिंपल पर पड़ी और वो इनकी खूबसूरती के कायल हो गए। राजेश खन्ना ने पहले से ही डिंपल की हॉटनेस और बोल्डनेस के बारे में इंडस्ट्री के लोगों से काफी कुछ सुन रखा था, तो वहीं राजेश खन्ना का स्टारडम भी उन दिनों आसमान पर था और डिंपल बचपन से उनकी फैन थी। इस पार्टी में मुलाकात के बाद और कुछ दिनों की गुपचुप मुलाकात के बाद एक चांदनी रात में राजेश खन्ना डिंपल को समुन्द्र किनारे ले गए और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 16 साल की डिंपल को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुमने अपनी पैरवी इतनी अच्छी की। बॉबी फिल्म रिलीज होने से पहले ही 1973 में दोनों ने अचानक शादी कर फिल्म इंडस्ट्री से फैंस तक सबको चौंका दिया। बताया जाता है कि दोनों की शादी की एक छोटी फिल्म बनाई गई, जिसे देश भर के सिनेमा घरों में दिखाया गया। राजेश से शादी के बाद डिंपल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रातों रात डिंपल सुपरस्टार बन गई और लोग डिंपल के दीवाने हो गए।
शादी कर चुके डिंपल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। उनके पति राजेश खन्ना ने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद डिंपल फिल्मों में काम नहीं करेंगी। यही वजह रही कि बॉबी के हिट होने के बाद जब डिंपल के पास फिल्म ऑफर्स के लाइन लगे हुए थे, उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। राजेश और डिंपल को आगे चलकर दो बेटियां हुईं। 1974 में डिंपल जब महज 17 साल की थीं, तभी उन्होंने अपनी पहली बेटी ट्विंकल को जन्म दिया और इसके 3 साल बाद 1977 में इनकी दूसरी बेटी रिंकी का जन्म हुआ। बच्चों के जन्म के बाद डिंपल एक बार फिर से पर्दे पर आना चाहती थी, लेकिन राजेश इसके खिलाफ थे। कहा जाता है कि यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी। जानकार बताते हैं कि डिंपल के लिए उनसे दोगुनी उम्र वाले राजेश खन्ना एक परफेक्ट पार्टनर नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना अपने स्टारडम को पचा नहीं पाए। वो चाहते थे कि घर के लोग भी उन्हें एक स्टार की तरह ट्रीट करें, और वक्त के साथ इनका गुस्सा और अहंकार बढ़ता चला गया। दुनिया जानती है मोहन की बीवी मोहन से प्यार नहीं करती, और मुझे शक है कि वो कमी तुम पूरी कर रही हो। बताते हैं कि 80 के दशक के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगीं और उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा था। पहले से गुस्सैल राजेश अपनी असफलता को संभाल नहीं सके और शराब के नशे में डूब गए। फिर कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में ये भी खबरें आईं कि राजेश खन्ना अपनी असफलता की भड़ास अपनी पत्नी पर निकालते हैं और ज्यादा गुस्सा आने पर उन्हें सिगरेट से भी जलाते हैं। इन खबरों ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन डिंपल ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई रही। खैर, पहले तो डिंपल ये सोचकर सब कुछ सहती रही कि राजेश बुरे दौर से गुजर रहे हैं और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी उन्हें राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। बताते हैं कि राजेश खन्ना की जिंदगी में इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस टीना मुनीम की एंट्री हो चुकी थी। जानकारों की माने तो सौतन फिल्म के दौरान दोनों का ये अफेयर शुरू हुआ था, जिसके बाद टीना और राजेश ने 11 से अधिक फिल्मों में साथ काम किया था। एक तरफ टीना और राजेश का रोमांस बढ़ रहा था तो दूसरी ओर डिंपल और राजेश के झगड़े। नतीजा ये हुआ कि 1982 में डिंपल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली गई। घर छोड़ने से पहले इतना सोच लो, तुम्हारा इस तरह घर से चले जाना मेरे शक को यकीन में बदल देगा। राजेश खन्ना से दूरी के बाद डिंपल ने एक बार फिर फिल्मों का रुख किया, क्योंकि वो अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और बेटियों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी, क्योंकि तलाक की शर्त रखने पर राजेश खन्ना ने बेटियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था, और शायद यही वजह रही कि दोनों अलग तो हुए पर कभी तलाक नहीं हो सका। खैर, फिल्मों में वापसी की कोशिश कर रही डिंपल ने रमेश सिप्पी की फिल्म सागर सबसे पहले साइन की। बताते हैं कि इस फिल्म को साइन करने से पहले जब सिप्पी साहब ने का स्क्रीन टेस्ट लिया तो डिंपल काफी नर्वस थी, क्योंकि एक तो वो 12 सालों बाद कैमरा फेस कर रही थी और इमोशनली भी काफी चैलेंज्ड फील कर रही थी। खैर, इस फिल्म में रमेश सिप्पी ने डिंपल के ऑपोजिट ऋषि कपूर को लिया, क्योंकि सिप्पी साहब बॉबी की जोड़ी के साथ ही उसकी सफलता को भी रिपीट करना चाहते थे, जिसे फिल्म के पोस्टर्स और बैनर से खूब बनाया गया। इसी बीच डिंपल ने बिना स्क्रिप्ट देखे कुछ और फिल्में भी साइन कर ली, क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। प्रोडक्शन के कामों में देरी के चलते फिल्म सागर से पहले उनकी फिल्म जख्मी शेर रिलीज हुई, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद फिल्म सागर में डिंपल कपाड़िया ने अपने सेक्सी और बोल्ड इमेज से दर्शकों को हैरान कर दिया। ये फिल्म सुपरहिट रही, जिसमें ऋषि कपूर और डिंपल की जोड़ी को एक बार फिर खूब पसंद किया गया और दर्शकों ने डिंपल को सर आंखों पर बिठा लिया। फिल्म सागर के बाद हिंदी सिनेमा में डिंपल की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें 1991 में आई फिल्म लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म को लता मंगेशकर जी ने डायरेक्ट किया था और फिल्म का गाना यारा सीली सीली दर्शकों के बीच आज भी बेहद लोकप्रिय है। बॉलीवुड में डिंपल की दूसरी पारी चल पड़ी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में डिंपल इमोशनली स्ट्रगल कर रही थी।
उन्हीं दिनों डिंपल का नाम राजेश खन्ना के दोस्त धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल से जुड़ने लगा। ऐसा माना जाता है कि सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के बीच 1984 में आई फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी थी। इसके बाद सनी और डिंपल ने फिल्म अर्जुन, आग का गोला, नरसिम्हा और गुनाह जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फिल्मों में दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई और रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी दोनों के रोमांस की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। कहा जाता है कि दोनों का ये रिश्ता करीब 11 सालों तक चला। डिंपल चाहती थी कि सनी उनसे शादी कर लें, लेकिन सनी देओल पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए दोनों ने कभी शादी नहीं की और आखिरकार ये रिश्ता फीका पड़ गया। खैर, डिंपल से जुड़े विवाद की बात करें तो 1992 में डिंपल विनोद खन्ना के साथ फिल्म मार्ग की शूटिंग कर रही थी। फिल्म में एक इंटीमेट बेडरूम सीन की शूटिंग के दौरान डिंपल के को स्टार विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि विनोद खन्ना को डायरेक्टर महेश भट्ट ने सीन समझाया जिसमें उन्हें डिंपल कपाड़िया को किस करना था, उन्हें गले लगाना था और फिर सो जाना था। एक टेक के बाद डायरेक्टर ने कहा कि एक टेक और लिया जाएगा जिसमें इंटेंसिटी थोड़ी और होनी चाहिए। इसके लिए महेश भट्ट थोड़ा दूर हो गए और फिर उन्होंने एक्शन चिल्लाया। विनोद खन्ना ने डिंपल को किस किया और फिर गले लगा लिया। इसके बाद महेश भट्ट ने कट चिल्लाया, लेकिन विनोद खन्ना ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। महेश भट्ट के साथ डिंपल भी हैरान हो गईं और डर कर डायरेक्टर की मदद मांगी। फिर महेश भट्ट ने अपने असिस्टेंट्स को भेजकर विनोद खन्ना से डिंपल को छुड़वाया। इसके बाद डिंपल काफी डर गईं और मेकअप रूम में जाकर देर तक रोती रहीं। बाद में महेश भट्ट के बीच बचाव करने और समझाने से मामले को सुलझा लिया गया था। डिंपल ने अपने फिल्मी करियर में अब तक करीब 85 फिल्मों में अभिनय किया है। बॉबी, राम लखन, सागर, लेकिन, दबंग, रुदाली से लेकर हाल की फिल्में जैसे ब्रह्मास्त्र, पठान और तू झूठी मैं मक्का जैसी बड़ी फिल्मों में भी ये नजर आ चुकी हैं। तो अब पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। कह सकते हैं कि डिंपल के शुरुआती जीवन के एक फैसले ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव और मुश्किलों के बावजूद वो टूटी नहीं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से डिंपल को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।